तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा फिर एक्शन में दिख रही। महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को सीबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी भूज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लोकपाल में दर्ज शिकायत में उन्होंने सीबी चेयरमैन पर अनुसूचित आचरण और बदला लेने की व्यवस्था का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने शिकायत दर्ज कर ये कहा कि माधवीपुरी भूज के खिलाफ मेरी लोकपाल शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप में दर्ज की गई है। महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि 30 दिन के भीतर लोकपाल की जांच करनी होगी, फिर लोकपाल को प्रभारी जांच और पूर्ण FIR जांच के लिए ईडी और CBI को भेजना होगा। महुआ ने एक्स पर एक पोस्ट में ये कहा है, इसमें शामिल हर इकाई को बुलाने और हर लिंक की जांच करने की जरूरत है। शिकायत में अप्रैल 2017 और अक्टूबर 2021 तक सेवी के पूर्णकालिक के सदस्य के रूप में और उसके बाद मार्च 2022 अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भूज के कथित कदाचार पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने लिखा है कि माधवीपुरी भूज को अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय आयोग सेबी के पूर्णकालिक के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद मार्च 2022 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि आने वाले खुलासे के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि भूज के एक सिलसिलेवार अपराधी हैं जो एक लोक सेवक की ओर से अनुसूचिता का कारण बनती और बदले में बदले की व्यवस्था भी शामिल हुई है। आपको बताएं कि जो संभावित रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए एक बड़ा खतरा है। मोइत्रा की शिकायत में सेबी ने सेवा के दौरान भूज को ICICI बैंक और ICICI प्रोडिशनल के नियत आय प्राप्त होने पर भी चिंता जताई। मोइत्रा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उल्लंघन की जांच की मांग की है। उन्होंने ये लिखा है कि 5 सितंबर 2024 को एक अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से पता चला है कि भूज 2011 और 13 के विभिन्न ICICI बैंक के अंदर अपने कार्यकाल के दौरान एक निजी एक्टिव फंड और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में भी कार्यरत थे। उधर अगस्त में एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि भूज और उनकी पत्नी ने अडानी समूह के शेयरों में निवेश करने के लिए गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के सामान ऑफशोर वाहनों में निवेश किया था। अडानी समूह की ओर से हिंडबर्ग के सभी आरोपों पर लगातार खंडन किया जा रहा है और रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भूज और उसके पति द्वारा ऑफशोर फंड में कथित निवेश के कारण सेबी ने अडानी के खिलाफ अपनी जांच में खाली निष्कर्ष निकाला। इसी बीच माधवीपुरी भूज और उनके पति धवल ब्रूज ने हिंडबर्ग रिसर्च के दौरान उनके खिलाफ लगाए आरोपों का खंडन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।